रोटी आपकी स्टेपल फूड है वो बेसिक कार्ब्स हैं कार्ब्स होंगे तो फिर आपके प्रोटीन्स और फैट्स बचेंगे कि आपको हेल्प आउट कर सके तो so प्रेगनेंसी में हेल्दी का मतलब ये नहीं कि हमने रोटी ही नहीं खानी आप नाश्ता करें जैसे आप पहले करते थे रोटी भी खाएं पराठा भी खा सकते हैं उस पर देसी घी भी, भी लगा सकते हैं आप ऑयल्स को ना छोड़ दें हाँ फ्राइड और प्रोसेस्ड वाला ऑयल आप ना लें कि आप पराठा भी खाएं उसके साथ आप अंडा भी खाएं बिल्कुल उस पर देसी घी भी लगाएं और उसके बाद जब आपका मिड मॉर्निंग का टाइम है उस वक्त सलाद खाएं रोटी को सलाद के साथ मत खाएं

लेकिन अक्सर जब मेरा काम शुरू हो जाता है ना मुझे भूल जाते हैं चाय नहीं पीती कि जब आप रिस्पॉन्बल हो जाते हैं ना तो फिर आप ये नहीं कहते ये अच्छा है ये ये मीठा है, yes, है, ये है. हाँ. आपकी ब्रेड दूध गोश्त गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकते बहुत महंगा है टोटली ग्रीन आप लिवर कलेजी ले लें जो ऑर्गन मीट है उस पर आ जाए ताकि अपने आप को और बेबी को आप डिप्राइव ना करें कि आयरन भी कम रह गया जिंक भी कम रह गया वरना फिर एनपीसी सेक्शन ही है फिर अच्छा फिर आप